बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी होम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। रिवायतों की लज्जत में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नए दिन का आगाज अच्छे अच्छे कामों से होता है, अच्छी अच्छी चीज़ों से होता है और अच्छी अच्छी बातों से होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एक अच्छी सी चाय चाहिए होती है और जब उसके साथ एक अच्छा सा नाश्ता मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। ख्वातीन का ये मसला होता है कि जब वो सुबह उठती हैं तो उन्हें एक अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपी चाहिए होती है, जिसे वो अपने किचन में बना कर अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उस मील टाइम को अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है, अच्छा सा प्रोग्राम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं अच्छी सी रेसिपीज़, जिसे आप अपने घर वालों के साथ वीकेंड्स पे इंजॉय कर सकते हैं। और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताना हमारे इस अच्छे से शो का काम है। इसी के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज के हमारे अच्छे से शेफ़ को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हमारे इस किचन में क्या अच्छा सा बनाने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा शेफ़, मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली कराची से बिलोंग करता हूँ। ओके, ज़बरदस्त। आज हमारे किचन में आप क्या बनाने वाले हैं? आज बेसिकली जो बन रहा है, आज बन रही है ढाका चिकन। अच्छा। जो कि मोस्टली जो है एपेटाइज़र के तौर पर खाई जाती है। तो ढाका चिकन के इन्ग्रीडियंट्स के लिए हमारे पास यहाँ मौजूद है जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मेरिक पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर है, क्यूमिन सीड्स हमारे पास रोस्ट हुए हुए, उसके अलावा हमारे पास जो है धनिया पाउडर है। तो सबसे पहले जब हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे, ये इसकी हमने मैरिनेशन सबसे पहले बना लेनी है। एग्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम सबसे पहले एक एग को हमने लेना है और इसी से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे शेफ जो हैं वो तो बड़ी जल्दी में है, झटपट से उन्होंने स्टार्ट कर दिया और वो बता रहे हैं कि क्या करते हैं। चलें ठीक है, रेसिपी पहले सुन लेते हैं फिर मज़ीद बात करते हैं हमारे शेफ से। सबसे पहले जो है मैंने इसमें एग, वन एग ऐड किया है, उसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने एटलीस्ट वन टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। अब अदर स्पाइसेस में से इसमें जो जाएगा वो सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा, आप वन टीस्पून डाल लें। जितना आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं, हंस पे जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद आपने ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर आपने कितना ऐड किया? हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून ये क्यूमिन सीड्स हमारे पास वो हमने ऐड किए हैं, वन एंड हाफ टेबल स्पून। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है, ठीक है, हाफ टी स्पून के करीब ये हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, रेड चिली पाउडर जो है ये आपने अकॉर्डिंग टू जितना आपको नीड है, टेस्ट आपके हिसाब से डाल लें आप। लेकिन अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं, अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, स्पाइस खाना चाह रहे हैं, आपने वैसे नॉर्मल स्पाइसी बनाया है? ये मैंने नॉर्मल के लिए 2 टीस्पून डाल दी, ये एटलीस्ट इनफ है। और टर्मेरिक पाउडर जो है इसमें हाफ टी स्पून जो है ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद जो है हम इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे इसके साथ ही। ठीक है जी जनाब, तो देख सकते हैं आपके अंडा लिया है हमने और इसमें सारे स्पाइसेस डाल दिए और अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर रहे हैं, इसको फेंट रहे हैं। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद जो है हमारे पास चिकन मौजूद है, ठीक है, हाफ के जी के करीब, तो उसकी हमने स्ट्रिप्स बनानी है। चिकन आपने बोनलेस लिए? जी, चिकन हमारे पास बोनलेस है। ठीक है। अच्छा, इस मैरिनेशन में जो है ये जो इस तरह की मैरिनेशन बन जाए उसके बाद आपने इसमें फ्लावर ऐड करना होगा एटलीस्ट जो है 1 टेबल स्पून, ताकि ये अच्छे से जो है आने के बाद इसमें बाइंड हो जाए। फ्लावर जो आपने ऐड किया है ये मैदे का है? जी ये मैदा है। ओके, मैदा है। तो आप इसको इस तरीके से चिकन की स्ट्रिप्स जो आपने ली है वो हाफ के जी चिकन बोनलेस ली है? जी, हाफ के जी चिकन बोनलेस। ठीक है। और उसमें ये मैरिनेशन, इसके बाद हम जो है चिकन की कटिंग्स की तरफ चले जाएंगे। ये आपकी मैरिनेशन कुछ इस तरह से रेडी होनी चाहिए मिक्सचर, ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ हमारे पास चिकन मौजूद है बोनलेस, तो चिकन की जो है हम बेसिकली इसमें स्ट्रिप्स जाती है, आप चाहें तो आप क्यूब में भी करके इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको खाना हो, जैसे आपको पसंद हो, आप इसको क्यूब्स में भी कट करके इसमें डाल सकते हैं और इसकी स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से इस चिकन को स्ट्रिप्स आप इसकी काट लें, ठीक है, जितना आप इसको फाइन कर सकते हैं वो कर लें। अच्छा शेफ, आपने जो मैरिनेशन तैयार किया ये क्या चिकन को इसमें मैरिनेट करना है? जी, चिकन को इसमें मैरिनेट करेंगे एटलीस्ट तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए, इसको इसमें डीप करके हम रख देंगे रेस्ट के लिए और उसके बाद जो है फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आधे घंटे का टाइम इसको चाहिए ताकि इसका जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छे से आ जाए। ठीक है, फ्लेवर अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले चिकन, उसके बाद जो है अच्छा टेस्ट आएगा। शेफ, मुझे ये तो बताएं कि आपको खाना पकाने का शौक कौन सी एज से है और कहाँ से आपने सीखा?
देखें बेसिकली मैं जिस शो में भी जाता हूँ मेरे साथ क्वेश्चन यही होता है। लेकिन इसलिए कि आप बहुत जल्दी में थे ना, तो मैंने बोला चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं बीच में फिर तो हम। लेकिन ये है कि मुझे बेसिकली शौक नहीं था। अच्छा। मुझे शौक बिल्कुल भी नहीं था खाना बनाने का और ना ही मैं शेफ बनना चाहता था। अच्छा, तो फिर ये कैसे हो गया? बस ये जो है कुछ फैसले ऐसे होते हैं बड़ों के जो हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, उसमें से एक ये फैसला है। अच्छा। बेसिकली जो मेरा शौक था मैं आर्मी में जाना चाहता था। अच्छा। तो मुझे जो है एडवाइस ये मिली बड़ों की तरफ से, तो मैंने इसको फॉलो किया। क्या बात है, वैसे घर वालों की तरफ से ये एडवाइस मिलना भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल। आपके फादर या आपकी मदर कौन चाहते थे? मेरी ग्रैंड मदर ने मशवरा। अच्छा, वो चाहती थी कि आप शेफ जी, और फादर ने भी लिया था। अच्छा, दोनों ने। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, तो फिर कैसे इतने अच्छे आप एक्सपर्ट हो गए कुकिंग में? देखें आप, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर वाले कह तो देते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसके फॉलो अप में वो कर लेते हैं लेकिन दिल से नहीं करते। अच्छा। तो मैं ये चाह रहा था कि कुछ ऐसा करूं कि उनको दिखे कि मैंने कुछ दिल से किया है। हाँ। तो उसमें से एक ये पैशन था। ये चिकन हमारी हाफ मैरिनेट हो गई, इसमें हम जाएंगे इसको लेके, और ये साथ में इसके अब ये इस तरह से मिक्स कर लेनी है आपने, और तकरीबन आधे घंटे का इसको आपने रेस्ट देना होगा। चिकन को आधा घंटा मैरिनेट करके हम छोड़ देंगे ताकि हमारे जो भी स्पाइसेस हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। जी, बस ये इस तरीके से आपने इसको मैरिनेट करके रख देना। खाना बनाने की स्टार्टिंग कैसे हुई? ग्रैंड मदर ने ही सिखाया, फिर आपने उनसे सीखा या क्या किया? नहीं, बेसिकली फिर जो मेरे वाले साहब हैं उन्होंने जो मुझसे कहा कि आप इसकी अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है इंस्टीट्यूट्स में, तो मैंने उसमें डिप्लोमा किया। उसके बाद मुझे यह अवेयर हुआ कि होटल रेस्टोरेंट्स में क्या डिफरेंस है और इस फील्ड में मजीद आप आगे कैसे ग्रो कर सकते हो। अच्छा, तो फिर ये भी हमें बताएं ना कि किस तरह से इसमें आगे ग्रो कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स और होटल्स में क्या फ़र्क है, और घर के खानों में वो जायका क्यों नहीं आता है जो रेस्टोरेंट में हम खाते हैं। वैसे कहा जाता है कि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा सफाई से भी नहीं बनाया जाता है। नहीं, बेसिकली जहाँ हम काम करते हैं वहाँ तो अकॉर्डिंग टू हाइजीन और हेल्थ सब फॉलो होता है। अच्छा। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम वो जो है फूड प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली बात ये होती है कि जहाँ स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा होता है वहाँ पर आप देख लें तो उसमें होटल्स सबसे ज़्यादा सारे फहरिस्त हैं। रेस्टोरेंट्स का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने छोटे रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया, मैंने होटल्स में किया है। अच्छा। तो होटल्स का ये है कि वहाँ स्पेसिफिक एक SOP होती है, उस SOP के अकॉर्डिंगली आप तमाम खाने जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपनी पर्सनल हाइजीन, किचन हाइजीन से लेके जो भी आपका फूड प्रेप है उस तक वो सारे रूल्स फॉलो, हाइजीन को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, डन हो गया। तो शेफ अब हम इसको क्या मैरिनेट करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए? जी, इसको बस ये हाफ तकरीबन आधे घंटे का हमने रेस्ट देना होगा, उसके बाद फिर इसको हम फ्राई की तरफ लेके जाएंगे। चलें, ठीक है, डन हो गया। तो फ्राइंग के लिए ऑयल को हम गर्म रख देते हैं क्योंकि उसको भी टाइम लगता है। आपको पता है हमारे स्टूडियो में जो है वो AC ऑन होता है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है ऑयल गर्म होने में। ऑयल जब तक गर्म हो रहा है, वक्त हुआ है यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा नहीं, छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्दी से वापस आते हैं। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। रिवायतों की लज्जत के किचन में मौजूद हैं शेफ यूसुफ और मज़ेदार सी ढाका चिकन यहाँ बन रही हैं। शेफ, ऑयल हमने जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था, मुझे बताएं हो गया है? जी, ऑयल रेडी है इसका, बस अब जस्ट इसको फ्राई करेंगे जस्ट, और आधा घंटा इसको हो चुका है। ठीक है, ठीक तो है। इस तरह से आप एक एक स्ट्रिप जो है इसमें आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, और कोई 7 to 8 पीसेस के करीब आपने इस तरह ऐड करना। ठीक है, और जो है तेल को हमने कितना गर्म करना है? बहुत ज़्यादा नहीं करना, राइट? नहीं, एटलीस्ट बस 100 अबव हो जाए, उसके बाद आप इसको सिमर पे करके इसी तरह से आप फ्राई कर लें। अच्छा, ठीक है। स्ट्रिप्स को देख सकते हैं जनाब की कितनी झटपट सी रेसिपी है। आप इसका मैरिनेशन तैयार करके अपने घर में रख सकते हैं, कोई मेहमान आने वाला हो, स्नैक्स के तौर पर यूज़ करना हो, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, तो आप इसको रख सकते हैं, और बस जब भी आपका खाने का मूड हो आप इसको ऐसे निकालें और फ्राई कर लें। अच्छा शेफ, मुझे बताएं कि ढाका की जो चिकन है, ये ढाका चिकन? जी जी। तो वैसे आप जो है वो कराची से बिलोंग करते हैं, तो ढाका की ये रेसिपी आपको कैसे आई? देखें, रेसिपी शेफ्स के पास तो लॉट्स ऑफ रेसिपीज होती हैं, वो इतना वो नहीं है, लेकिन ये मोस्टली जब हम काम कर रहे होते तो एपेटाइजर्स में ये चीज़ें समझने के कोई आम हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने भी कहा ना कि गेस्ट आ जाते हैं, तो गेस्ट आपको पता है जब भी आता है गेस्ट वो कहते हैं हम जल्दी में और हमें बस निकलना है और बस हमारा इधर भी जाना है उधर भी जाना है, अमूमन सब जगह ऐसे ही होता है।
तो उसकी वजह से कुछ हम रेसिपीज इस तरह की शोज में देते हैं कि इजी टू कुक हो और वो मैरिनेट, जैसे आपने बताया कि हम इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, 2 से 3 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख लें, इसी तरह का मैरिनेट करके जैसी हैं एज सून एज पॉसिबल आप फ्राई कर लें इसको। ठीक है, वैसे जो गेस्ट जल्दी में रहते हैं तो आजकल के जो लोग हैं वो इतने लेजी हो गए, वो कहते हैं बस जल्दी में और जल्दी में चले जाएं, बस चाय पिला के उनको भेज दिया जाए। डेफिनेटली, बस जब तक चाय रेडी होगी उससे तब तक ये भी रेडी हो जाएगा। ये हो जाएगा, बस खिलाने वाला बंदा होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही बस चाय पिला के और कर दिया जाए। वैसे ये है कि मेहमानों की थोड़ी सी खिदमत कर लेनी चाहिए, घर में बरकत होती है। अच्छा शेफ, मुझे ये बताएं कि ढाका फिश का नाम भी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो वो कैसे बनाई जा सकती है? अच्छा, ढाका फिश में जो है सेम प्रोसेस है जो मैरिनेशन हमने यहाँ पर की, उस मैरिनेशन में हमने बस 1/2 टीस्पून अजवाइन और विनेगर का थोड़ा सा हमने एडिशन करना होगा और रेस्ट की टाइमिंग भी सेम है ऑलमोस्ट ना। अच्छा। और उसके बाद स्ट्रिप्स में आप चाहें तो वो भी कर सकती हैं, नहीं तो आप इसको क्यूब में भी करके आप इसको मैरिनेट करें। टाइमिंग्स यही है, आधे घंटा की कम से कम उसका मैरिनेशन हो और आप उसको कर लें। ठीक है ठीक है, और उसको भी इसी तरह डीप फ्राई कर लेंगे, उसको भी आप फिश में भी हम इसी तरह का बैटर बनाएंगे तो क्या अंडा भी उसमें शामिल करेंगे? जी डेफिनेटली, एक एक जाएगा। फिश के साथ कहा जाता है कि अंडा यूज नहीं करना चाहिए, उस हवाले से क्या बताएंगे आप? देखें मोस्टली जो है ना मैरिनेशंस के अंदर एग यूज़ होता है, अगर आप कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ की तरफ जाएं तो उसमें जो है बर्नेज सॉस और हॉलैंडेज सॉस जाता है मोस्टली सी फूड्स के साथ। अच्छा। तो उसमें जो यूज़ होता है ना वो उसका यूज़ जो है एग योग होता है। ओके। जो ऊपर जो ड्रिजल होता है सॉस जो फिश के ऊपर प्राउन्स के ऊपर, वो हॉलैंडेज की जो योग, वो जो सॉस की बेसिक होती है वो योग की होती है। अच्छा। तो आप समझ लें कि वो उस लेवल पर तो चल रहा है, तो इन रेसिपीज़ में भी आएगा, इसमें कोई इशू नहीं होता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि हमारे जो बड़े लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं पहले ज़माने के, वो कहा करते थे कि फ़िश के साथ जो है ये एग का यूज़ ना करें, दही का यूज़ ना करें, दूध का यूज़ ना करें? दूध का तो मना है लेकिन एग का तो खैर नहीं होगा। अच्छा, एग यूज़ मिल्क का तो है लेकिन। अच्छा, वो जो फ़िश है जो आप बता रही हैं उस फिश का भी एक स्पेसिफिक नाम है, आई गेस मुझे तो याद नहीं है क्या नाम होगा क्योंकि मैंने नहीं सुना था ये। और दूसरा वो हर फिश के साथ भी जो है ना आप नहीं खा सकते, वो एक स्पेसिफिक फ़िश है उसका जो है उसके साथ आप नहीं ले सकते। ठीक है, उसके साथ मिल्क नहीं ले सकते या एग नहीं? मिल्क, मिल्क एग तो ले सकते, एग ले सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये देखें ज़बरदस्ती जो है ढाका चिकन वो तैयार हो गई है और ब्राउन सा इसका कलर आ गया है। इतनी झटपट से बनने वाली रेसिपी है और इसकी खुशबू जो है ना वो हर जगह फैल गई है, दिल चाह रहा है कि इसको टेस्ट कर लिया जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार और है हमारे पास, वो भी फ्राई हो जाए फिर हम उसको इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। अच्छा शेफ, इसके अलावा आप क्या अच्छा बना लेते हैं? देखिए मेरी जो स्पेशलिटी है वो कॉन्टिनेंटल कुजीन है और शेफ का जो नाम है बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ को बना लेना। हाँ। कोई भी कुजीन आ जाए वो तो ठीक है, आप सब कुछ तो आप बना ही लेते होंगे क्योंकि आप शेफ हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है बनाना, क्या आपको पसंद है और क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा बना सकते हैं? देखें मुझे जो अच्छा लगता है ना, जिस कुकिंग में मैं इंजॉय करता हूँ वो है लाइव कुकिंग। अच्छा, जिसमें से एक आपका कुकिंग शो भी है ये। बिल्कुल, लाइव है, जहाँ लाइव कुकिंग। तो लाइव कुकिंग जो होती है उसमें आपके आपका जो शेफ है उसका स्किल्स शो रहा होता है और उसमें नॉलेज भी मिल रही होती है लोगों को कि जी शेफ ये इस तरह था तो इसकी क्या होगा और इसकी मैरिनेशन कैसी थी, कितने वे ऑफ मेथड से बन सकता है ये और मजीद इसमें क्या हो सकता है। तो जिसमें जो है ना क्वेश्चन आंसर होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली, और फिर उसके साथ साथ उसकी टेक्निक कि हमने कटिंग किस तरह करी, मैरिनेशन के लिए क्या यूज़ करा और दूसरी मैरिनेशन के लिए क्या यूज़ होगा, तो ये इस वजह से मुझे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, शेफ़ का प्रोफेशन क्या सिर्फ लड़कों को चूज़ करना चाहिए या लड़कियों को भी करना चाहिए? मोस्टली तो लड़के ही आ गए इसमें। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है? देखें ये जो स्टूडेंट होता है ना उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चूज़ करता है अपने लिए। अगर वो ये टास्क हैंडल कर सकता है, देखें ये टास्क जितना दिखने में आसान है कि शेफ है, काम कर रहे हैं, सेलिब्रिटी में आ रहे हैं, अच्छा कैटेगरीज हैं शेफ्स की भी, जो प्रोफेशनल शेफ्स हैं वो होटल्स में, नंबर 2 आपके सेलिब्रिटी शेफ्स जो आजकल आ जाते हैं, ठीक है वो, और 3 जो है वो शेफ इंस्ट्रक्टर जो पढ़ाते हैं कलनरी आर्ट्स का प्रोग्राम वगैरह। तो डिपेंड करता है कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनके ऊपर क्या है। मोस्टली लोग जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन कोई एक चीज़ ही चूज़ करके उसको आगे बढ़ाएं, उसमें हो जाएं पूरे, तो फिर दूसरी आप फील्ड को आप करें वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है,
ठीक है जनाब, तो ये सारी जो बातें थी हमने की और मजीद बातें करनी है, लेकिन अगर किसी से रेसिपी मिस हो गई तो जल्दी से जाएं और रेसिपी कार्ड का रिव्यू करके जल्दी से वापस आ जाएं। ढाका चिकन अज्जा, चिकन बोनलेस 400 ग्राम, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, तेल तलने के लिए, जीरा 1 खाने का चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच, साबुत काली मिर्च 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई हल्दी 1 खाने का चम्मच, अंडे 2 अदद, आटा 100 ग्राम, पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। तरकीब, सबसे पहले चिकन को स्ट्रिप्स शेप में कट कर लेंगे, उसके बाद एक बाउल में सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर अच्छी तरह चिकन को उसमें मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, उसके बाद चिकन को डीप फ्राई करेंगे। मज़ेदार ढाका चिकन तैयार है। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं, शेफ यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं और मज़ेदार सी चिकन ढाका हमारे इस किचन में बन रही है जो कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और अब हम इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। शेफ, आप मुझे बता रहे थे कि 3 तरह के शेफ्स होते हैं जी, एक सेलिब्रिटी होते हैं, एक इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और तीसरा क्या बताया आपने? प्रोफेशनल शेफ्स। आप मुझे बताएं कि जो सेलिब्रिटी शेफ्स होते हैं वो कितने प्रोफेशनल होते हैं? देखें जी, डिपेंड करता है, आजकल तो वैसे हर कोई सेलिब्रिटी बना हुआ है, मैं देख रहा होता हूँ कभी प्रोग्राम्स अच्छा। तो देखें, बेसिकली मैं एक प्रोफेशन में उसमें हूँ तो मुझे रूल्स रेगुलेशन पता है कि किस में क्या होना चाहिए। एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि जैसे कि आप कोई डिश बना रहे हैं तो एटलीस्ट जो सेलिब्रिटी है उसको उस डिश का ओरिजिन लाजमी पता होना चाहिए कि वो डिश आप जो बना रहे हैं आपके लिए व्यूअर्स के लिए उसकी क्या मतलब ओरिजिन है, उसके क्या न्यूट्रिशन है और बेसिकली आगे मतलब कहाँ तक वो उसकी शेल्फ लाइफ है, ये एटलीस्ट उस शेफ को लाजमी पता होना चाहिए ठीक है, जो भी बना रहा है। तो आपको क्या लगता है वो अपने प्रोफेशन के साथ कितने सिंसियर होते हैं ये सब चीज़ें, इसका मतलब कि उनको इतनी ज़्यादा नहीं पता होंगी? डेफिनेटली ये चीज़ें पता होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है वो उससे वाबस्ता और भी लोग भी हैं जो कि उसको फॉलो कर रहे होते हैं ठीक है। और जब प्रोफेशनल चीज़ें देखी जा रही होती हैं तो वो उसमें जो सीनियर्स होते हैं वो फिर रिमार्क्स दे रहे होते हैं अपने कि तो भाई इन्होंने ये चीज़ गलत बता दी और ये चीज़ ऐसे थी, इसका ओरिजिन ये था, इन्होंने ऐसा बताया ठीक है। तो ये तो नॉलेज की कमी हो गई, दूसरा खाने के हवाले से बताएं खाना किस हद तक वो अच्छा बना लेते होंगे, आपको क्या लगता है? देखें, डिपेंड प्रेजेंटेशन वाइज देखी जाए तो मोस्टली मैंने शोज़ में कोई नॉर्मली प्रेजेंटेशन देखी है, कोई ख़ास वो नहीं देखी। अच्छा, और ठीक है, हो सकता है टाइम की वजह से भी ना कर पाते हूँ, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, कभी कभी मैं टाइम की वजह से, लेकिन रेसिपी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। आपको पता है मैं जब छोटी थी ना तो मैं मुझे खाना बनाने का शौक वैसे तो नहीं होता था, लेकिन कोई ऐसा टाइम था कि जब मेरा दिल चाहता था कि मैं कुछ टीवी से देखूं और उसको ना ट्राई करूं, तो एक दो बार मैंने चीज़ें ट्राई की तो वो जैसा बताया था, जैसा दिखाया था वैसा बना नहीं था। तो इसमें क्या हो सकता है आप बताएं? इसी हवाले से मैं आपको आपसे पूछ रही हूँ कि कितना इंफॉर्मेशन की कमी मैं तो बता है, देता हूँ। देखें, बेसिकली क्या होता है कि वे ऑफ मेथड जो रेसिपी का है वो समझाने का बड़ा इजी होना चाहिए और वो इस तरह का हो कि अगर कोई न्यू पर्सन कुकिंग कर रहा है जिसको हाउ नो ही नहीं है ना, तो वो एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि मैं इनके लिए बना रहा हूँ तो ये फर्स्ट टाइम है इनका, इन्होंने नाइफ भी नहीं पकड़ी है इस तरह इन ऑल दैट, तो मुझे ऐसा बताना है कि आपने ये जिस तरह से चिलीज को कट किया है एक और बार आप इसको कट करें ताकि हम ये दिखा सकें कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी और हमारी कटिंग में क्या फ़र्क होता है। सिंपल, ज़बरदस्त, ये देखें जनाब तो ये आपकी जो ढाका चिकन है तैयार हो गई है, ये रेडी है। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और इसको हम यहाँ रख देते हैं ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि हम अपने शो में प्रोफेशनल्स को क्यों बुलाते हैं, ताकि वो झटपट से मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकें और फिर उनकी गार्निशिंग भी उतनी मज़े की हो सके। जी शेफ, आप मुझे ये बताएं कि हमारे शो में आके आपको कैसा लगा? मैं जैसे हर शो में कहता हूँ कि जिस शो में भी आता हूँ कोई ना कोई एक लेसन इसलिए दे रहा होता हूँ, कोई ना कोई एक लाइन इसलिए दे रहा होता हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो उनको हर शो में मेरी एक नई बात पता चले। जिस तरह अभी आपने कुछ एक कैटेगरी का जिक्र किया, इन कैटेगरीज का प्रीवियस शो में नहीं हुआ जिक्र, लेकिन आपने क्वेश्चन किया तो फिर मैंने आंसर किया उसका, तो ये डिफरेंस मतलब सबको पता होना चाहिए हु इज सेलिब्रिटी और प्रोफेशनल कौन है, और दूसरे नंबर पर इंस्ट्रक्टर की क्या
बेसिकली जो है ना वो हैं। तो इसमें ये होता है कि जो बंदा फील्ड चूज़ कर रहा होगा उसको ये पता चल जाएगा कि शेफ़ खाली मतलब कुकिंग करने का नहीं है और बहुत सारी चीज़ें भी हैं उसमें। तो ये थोड़ी सी नॉलेज खाने के बारे में ये भी कहा जाता है कि सिर्फ ये नहीं है कि बस उसको ऐसे बना लिया, ये एक साइंस है, इसको सीखना भी है। Definitely. और अगर आपको पता चल जाए तो ही आप इसको सीख सकते हैं। लोग बोलते हैं कुकिंग इज एन आर्ट, मैं तो बोलता हूँ सबसे बड़ा टास्क ही यही है। आर्ट तो बहुत बाद में क्यों है, पहले तो आपने उसको रेडी करना है। तो मुझे तो लगता है कि आपको ये प्रोफेशन अपना इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि जो आपके साथ जबरदस्ती किया गया था ना, आपको तो उस प्रोफेशन से मोहब्बत हो गई है। डेफिनेटली हो जाती है, कोई भी मेरी जगह कोई भी होगा वो उसको इसी तरह लेगा। चलें जी, बहुत ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारे नाज़रीन को रेसिपी के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लेसन दिया, जो कि बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। रेसिपीज़ तो हर कोई बता देता है, लेकिन वही बात है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दे, और हमारा शो जो है ही इसी से रिलेटेड कि हम आपको रेसिपीज़ के साथ साथ टिप्स बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। जनाब, प्रोग्राम का वक्त जो कि है वो ख़त्म हो रहा है, तो बस अब हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, एक नए शेफ़ के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।